नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों बॉलीवुड अभी तक एपिसोड नंबर 16 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए ये न्यूज आप जरूर देखा करें, इसमें आपको बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरें मिलने वाली है। तो दोस्तों आज 9 खबरें लेकर के लिए मैं आपके लिए आया हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तो शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पहली खबर दोस्तों, यश की अगली फिल्म सुपर स्टार रॉकी स्टार रॉकी भाई यश की अगली फिल्म से है। तो उनकी फिल्म KGF चैप्टर 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो उनकी अगली फिल्म जो कि अनटाइटल है ES19, उसका दोस्तों टाइटल आने वाला है 8 दिसंबर को सुबह 9:55 पे इसका टाइटल आएगा। और दोस्तों KVN प्रोडक्शन की यह फिल्म है तो काफ़ी ज़बरदस्त ये फिल्म होने वाली है और यश को देखने के लिए सब बेताब है। कह रहे हैं कि एनिमल की भी बाप होगी ये फिल्म, देखते हैं किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है। 8 दिसंबर को इसका एक टाइटल अनाउंसमेंट टीजर जारी किया जाएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, अगली खबर दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा से लेकर के है कि इसके बॉयकॉट की खबरें चल रही है सोशल मीडिया पे, क्योंकि दोस्तों दया बहन को लाने की बार बार एक अनाउंसमेंट की जाती है कि दिशा वाकानी को वापस लेके आएगा लेके आएंगे, लेकिन नहीं लेके आ रहे, हर बार बेवकूफ बना रहे दर्शकों को यहाँ पे। तो दर्शक अब उब गए लगता है इसे और उन्होंने इसका बॉयकॉट करने का फैसला किया है। सो कि TRP भी लगातार गिर रही है, मेहता साहब को बैठा दिया गया है शैलेश लोढ़ा को, तो लगातार इसका बॉयकॉट अब हो रहा है। तो अभी सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है। अक्षय मोदी ने जरूर इसकी रिएक्शन दी है, उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही लेकर के आएंगे, चाहे दिशा वकानी आए या कोई अन्य एक्ट्रेस आए, लेकिन डेफिनेटली हम दया बहन को लेकर के आने वाले हैं। देखते हैं उनकी बात कब शुरू होती है, लेकिन इतना जरूर तय है कि इससे शो की लोकप्रियता पर असर पड़ रहा है, TRP लगातार गिर रही है। दोस्तों बात करें अगली खबर की ओर, दोस्तों तीसरी जो इसकी खबर है वो दोस्तों काबुलीवाला फिल्म से, काबुलीवाला फिल्म बंगाली फिल्म का एक ट्रेलर जारी हो गया है, कल जारी हुआ था और दोस्तों काफ़ी अच्छा ट्रेलर है। मिथुन चक्रवर्ती टाइटल रोल प्ले कर रहे हैं काबुलीवाला का, और ये कहानी आपने भी किताबों में पढ़ी होगी, मैं भी हिंदी की बुक में पढ़ चुका हूँ, तो काफ़ी एक इमोशनल कहानी है किस प्रकार से एक बच्ची के साथ उसका एक भावनात्मक संबंध होता है और किस प्रकार से काबुलीवाला पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जेल में बंद किया जाता है। तो मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी ज़बरदस्त इसमें लग रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ये फिल्म लग रही है। दोस्तों इसके अलावा एक फिल्म और ट्रेलर रिलीज हुआ था कल, जिसकी अपन बात कर लेते हैं खबर नंबर 4 में। दोस्तों मस्त है, मस्त में रहने का फिल्म का नाम है, मस्त में रहने का, और इसमें जैकी श्रॉफ नीना गुप्ता प्रमुख भूमिका में है। काफ़ी अच्छा ट्रेलर मुझे ये भी लगा है, हालांकि आजकल की टाइप की मूवी तो नहीं है, शायद ये प्राइम वीडियो पे रिलीज की जाएगी इस फिल्म को। तो जैकी श्रॉफ की तो एक्टिंग वैसे दमदार रहती है, नीना गुप्ता भी ज़बरदस्त है, दो अकेले रहने वाली व्यक्तियों की कहानी है, किस प्रकार से वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो ठीक ठाक ये ट्रेलर मुझे लगा है, देखना आप भी, जैकी साहब के अगर प्रशंसक है तो आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, अगली खबर दोस्तों फाइटर से है। फाइटर बहुत बड़ी फिल्म है, सिद्धार्थ आनंद की फिल्म है और दोस्तों ऋतिक रोशन इसमें प्रमुख भूमिका में है। 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज हो रही है गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2024 में। तो इसका एक पोस्टर जारी किया गया है ऋतिक रोशन का कल, और काफ़ी ज़बरदस्त एक पोस्टर यहाँ पर नजर आता है। स्क्वाड्रन लीडर शमशेरा पठानिया, पठान के बाद पठानिया के रोल में, ये पठान के पीछे क्यों बड़ी समझ में नहीं आता है, पठान पठानिया ये क्या मतलब नाम रखा है पता नहीं, लेकिन पोस्टर ज़बरदस्त है, बिल्कुल टॉम क्रूज की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऋतिक रोशन। एरियल एक्शन मूवी है, दीपिका पादुकोण में उनके साथ अनिल कपूर है, तो ज़बरदस्त एक्शन से भरपूर ये मूवी 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, इंतज़ार कीजिएगा इसका, और काफ़ी ज़बरदस्त ये फिल्म हो सकती है ऋतिक रोशन के लिए। अगली खबर, केरला स्टोरी आपने देखी होगी, ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, लव जिहाद के खिलाफ थी और बहुत ही हिम्मत के साथ ये फिल्म बनाई गई थी। अब इसका पार्ट 2 अनाउंसमेंट कर दिया गया, केरला स्टोरी 2 बनने वाली है, तो ये भी एक धमाकेदार खबर है। पूरी डिटेलिंग अभी आना बाकी है, लेकिन 2024 में फिल्म रिलीज हो सकती है, जल्दी ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगली खबर की बात करें, बॉबी देओल, अगली खबर बॉबी देओल सर के बारे में, एनिमल से अपने अभिनय से सबका दिल जीत लेने वाले बॉबी देओल से जब ये पूछा गया कि इतना कम रोल आपने कैसे स्वीकार किया, तो बॉबी देओल ने कहा कि मैं भी चाहता था कि रोल लेंथी हो, थोड़ा बड़ा हो, लेकिन जब मैंने रोल सुना और स्क्रिप्ट देखी तो मुझे लगा कि ये रोल भी काफ़ी पावरफुल है, तो मैंने ये रोल किया है। हालांकि मैं भी जरूर चाहता था कि रोल लेंथी हो, लेकिन ठीक है जितना भी रोल हो, लेकिन काफ़ी पावरफुल रोल था, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो इसी बात से मैं काफ़ी खुश हूँ। तो काफ़ी इमोशनल बॉबी देओल हो गए थे ये बात बोलते हुए, और डेफिनेटली एनिमल की सफलता में बॉबी देओल का भी एक योगदान माना जाएगा। छोटे से रोल में उन्होंने गजब का प्रभाव डाला है सबके ऊपर,
और एक यादगार रोल किया है, और उनके पास अच्छी फिल्में मिलनी चाहिए, उनको अच्छे एक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगली खबर दोस्तों, बात करें अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना जो बंगला है जलसा के बाहर, अमिताभ बच्चन हर संडे को अपने प्रशंसकों से मिलते हैं, तो 3 दिसंबर को भी वे मिले अपने प्रशंसकों से। और दोस्तों इस बार उनके साथ अभिषेक बच्चन भी थे, और साथ में दोस्तों अमिताभ बच्चन के जो छोटे भाई है अजिताभ बच्चन, उनकी बेटी जो नैना बच्चन है, उनका बेटा भी साथ में नजर आया। तो ये एक अलग से अलग सरप्राइज था, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाया है, देखिएगा आप, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो दोस्तों एक खबर और दे देता हूँ आपको। ये खबर है दोस्तों भूलभुलैया 3 के बारे में। तो भूलभुलैया 3 के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, ऑलरेडी हो रही है। फिल्म दिवाली 2024 पे रिलीज कर दिया जाएगा। अनीस बजवी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, भूषण कुमार प्रोड्यूसर है फिल्म के, कार्तिक आर्यन प्रमुख भूमिका में है। काफ़ी ज़बरदस्त ये फिल्म होने वाली है, शुरू के दोनों जो पार्ट वो काफ़ी बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं, तो देखते हैं इसको किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये थी आज बॉलीवुड की कुछ खास खास खबरें, बताइएगा आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।